ऐसा कि आप जानते ही होंगे कि जापान कितना यूनिक मुल्क है और तो वहाँ के लोग वहाँ का कल्चर और वहाँ का लाइफ बाकी दुनिया के मुल्कों से कितना अलग है अगर आप जापान में मैकडोनल्ड के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप मैकडोनल्ड्स में हैं जापान में कई ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनके होने की वजह ही आपकी समझ से बाहर होगी आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जो इतनी अजीबो गरीब हैं कि वो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प है नंबर वन ग्री टी कॉक ये आपके लिए एक दिलचस्प फैक्ट होगा कि जब कोका कोला में कोई कलर नहीं मिलाया जाता तो असल में इसका कलर ग्रीन होता है लेकिन जापानी लोगों ने तो ग्रीन टी से ही कोक बना दी जापान की इस ग्रीन टी कोक में ग्रीन टी के फ्लेवर्स के साथ साथ ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटी और कैटाजेंस भी मिले होते हैं और इसलिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और कोक नहीं छोड़ सकते तो जापान जाएं और ग्रीन टी कोक पिए नंबर टू डाइट वाटर अब आप सोच रहे होंगे कि डाइट वाटर कौन सी नई बला है मैंने भी जब इसके बारे में सुना था तो मेरे दिमाग में भी यही आया था कि क्या ये नेगेटिव कैलोरीज वाला पानी है आपको बता दें कि 2004 में जापान की अजीबोगरीब गरीब मार्केट में इस अजीबोगरीब गरीब प्रोडक्ट ने हलचल मचा दी थी लेकिन असल में इस पानी में कुछ खास नहीं है डाइट वाटर नॉर्मल पानी की तरह ही है जिसमें काफ़ी सारे विटामिनस और मिनरल्स मिले होते हैं जो कि आपके वर्कआउट्स को ज़्यादा अफेक्टिव बनाता है नंबर थ्री टर्निंग ट्रेन सीट जिंदगी में एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब हमें ट्रेन में सफ़र करते हुए अनवांटेड लोगों के साथ सफ़र करना पड़ता है चूँकि जापान में ज़्यादातर लोग बुलेट ट्रेन में ही सफ़र करना पसंद करते हैं जिसकी वजह से उन्हें यह प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ती है तो जापानी लोगों ने इस प्रॉब्लम का एक यूनिक सोलूशन निकाला है वो सोलूशन ट्रेन की सीटों को फ्लैक्सीबल बनाना है जापान में आप अपनी ट्रेन सीट को दूसरी तरफ घुमा सकते हैं और फिर आप अपने पीछे बैठे पैसेंजर से बात करना चाहते हैं या फिर आगे वाले से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो बस अपनी सीट को मोड़ लीजिए और ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी नंबर फोर कडल कैफे कडल कैफे सिर्फ एक कैफे ही नहीं है बल्कि इसमें आपको खूबसूरत लड़कियों के साथ कडल करने का मौका मिलेगा जापान में आपको जगह जगह ये कडल कैफे दिखेंगे जहां आप 10 से 15 घंटे तक पे करके किसी भी लड़की के साथ जितना चाहे कडल कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी कडल पार्टनर आपके बाल भी सहलाएगी कान तपथपाएगी थप और कान में मीठी मीठी बातें भी कहेगी और ऐसे कैफे में प्रोफेशनलिज्म भी बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है जिससे कडल पार्टनर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी बनी रहती है नंबर फाइव बेबी क्राइंग फेस्टिवल अगर आप एक आम इंसान हैं तो आप एक रोते हुए बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करेंगे लेकिन जापान में कौन बच्चे को पहले रुलाएगा इसका एक नेशनल कंपटीशन होता है जापान के सेंसोरी टेम्पल में हर साल बेबी क्राइंग फेस्टिवल होता है क्योंकि जापानी कल्चर में ऐसा माना जाता है कि एक सुमो रेसलर अगर एक बच्चे को रुलाएगा तो इस बच्चे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी और इसलिए इस कंपटीशन में कई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं और ड्राउने मास्क पहने हुए सूमो रेसलर्स के हवाले कर देते हैं और फिर इन सोमो रेसलर्स के बीच कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि कौन बच्चे को पहले रुलाएगा और जो रेसलर पहले बच्चे को रुलाता है वही कंपटीशन जीत जाता है नंबर सिक्स स्लीपिंग एट वर्क प्लेस जापानी लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और अक्सर इतनी ज्यादा मेहनत की वजह से वो लोग बहुत ही थक जाते हैं इसीलिए जापान के ऑफिस में इनमोरी नामी एक प्रैक्टिस होती है जिसमें कोई भी ऑफिस वर्कर दिन में एक बजे से लेकर चार बजे के दौरान तीस से चालीस मिनट के लिए आराम से सो सकता है और अगर इम्प्लॉ इस दौरान अपने टेबल पर सर रख कर सो जाता है तो इसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता बल्कि इसको और ज़्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि इस बेचारे ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की होती है और इसीलिए तो वो सो जाता है और ये सुनकर आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि काश हमारे ऑफिस में भी ये सहूलत होती लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ के ऑफिस में मेहनती नहीं बल्कि काम चोर लोग पहले सोते नंबर सेवन यूनिक आइसक्रीम फ्लेवर आइसक्रीम में टेक्नोलॉजी और यूनिक इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको यूनिक फ्लेवर्स भी मिलेंगे और ऐसे अजीबो गरीब फ्लेवर्स और कॉम्बिनेशनस के मुझे नहीं पता कि आप इन्हें खाना चाहेंगे या नहीं मिसाल के तौर पर क्या आपने कभी मायोनीज फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाई है जाहिर है नहीं खाई होगी या फिर हॉर्स मीट वाली या फिर कैक्टस फ्लेवर वाली या फिर चारकोल यानी कोयले के फ्लेवर वाली तो ऐसे ही कई और आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं जो आपको सिर्फ जापान में ही मिलेंगे नंबर एट यूनिक किटकैट फ्लेवर्स जब हम फ्लेवर्स की बात कर ही रहे हैं तो फिर किट कैट चॉकलेट के फ्लेवर्स की भी बात कर ही लेते हैं किट कैट चॉकलेट से जापानी लोगों को काफी लगाव होता है ये चॉकलेट इन लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है कि एग्जाम देते वक्त स्टूडेंट ये चॉकलेट एक दूसरे को गुड लक के तौर पर देते हैं इसीलिए इस मुल्क में सौ तो से जायद फ्लेवर्स में आपको किट कैट चॉकलेट मिलेगी और आइसक्रीम की तरह ऐसे यूनिक फ्लेवर्स जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे और इनमें से कुछ फ्लेवर्स के नाम में लेता हूँ बेक्ड किटकैट, एप्पल फ्लेवर्ड किटकैट, ब्लू बेरी ऑब्जर्वेशन किटकैट वगैरह लेकिन कुछ फ्लेवर्स अजीब हैं जैसा हॉट चिली फ्लेवर और सोया सॉस फ्लेवर वगैरह और ऐसे फ्लेवर्स सिर्फ जापानी लोग ही खा सकते हैं नंबर नाइन बॉइंग वार्स जापानी लोग बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हैं और वो हर किसी के साथ इज्जत से पेश आते हैं ये एक दूसरे को इज्जत देने के लिए इतने बेताब होते हैं कि कभी कभार तो इनमें लड़ाई भी हो जाती है कि कौन किसको सबसे ज़्यादा इज्जत दे सकता है और इसकी वजह से बॉइंग वार्स होते हैं जो कुछ इस तरह से होती है कि अगर कोई आपको इज्जत देने के लिए झुक रहा है तो दूसरा आपको इज्जत देने के लिए और ज़्यादा नीचे झुकेगा और आपको बौ करेगा और ये बोइंग तब तक चलती रहेगी जब तक एक इंसान हार नहीं मान जाता और ये नहीं मान लेता कि यस यू आर मोर रिस्पेक्टफुल देन मी नंबर टेन पीपल पुशर्स इन सब वेज मेट्रो स्टेशन में आपने लोगों को एक दूसरे को धक्के देते हुए देखा होगा लेकिन जापान में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉज ही एक्चुअल पुशर्स होते हैं जो कि ट्रेन स्टेशन पर लोगों को धक्का मारते हैं जापानी स्टेशन पर रश की वजह से लेट हो जाना काफ़ी आम सी बात है और ऐसे में ये पुशर्स लोगों को धक्का मार मार के आगे करते रहते हैं ताकि कोई भी ज्यादा देर तक एक ही जगह पर ना रुके और वक्त पर अपनी ट्रेन तक पहुंच जाए नंबर अलेवन रेमन बाथ दोस्तों अब हम शायद जापान की सबसे अजीब व गरीब चीज पर आ गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको जापान में ही दिखाई दे सकती है और शायद दुनिया के किसी और मुल्क में आगे भी ऐसा कुछ काम नहीं दिखाई देगा क्योंकि रेमन बात दरअसल पब्लिक बात होते हैं जहाँ लोग पानी की जगह रेमन सूप से नहाते हैं जापानी लोगों का मानना है कि इस रेमन सूप में मौजूद नमक स्किन के लिए काफी अच्छा होता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा सबसे अजीब और गरीब लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेलाइकन को भी प्रेस कर दें शुक्रिया